पे कितना भीड़ हो रहा है, यहाँ है गोभी का भीड़ लगा हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज ना आज़ादपुर में आप लोग का सारे चीज़ देखने को मिलेगा जो कि मैंने रात में गया था, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है ना कि दोस्तों, वहाँ पे चोर भाई ज़्यादा रहता है ना, दिक्कत ये है कि सारी चीज़ नहीं दिखा पाते हैं, सब जगह का चीज़ नहीं दिखा पाते, इसलिए रात को जाते हैं ना हम लोग, तो चोर भाई ज़्यादा रहता है। चोरी हुई नहीं है, उसका जेब कट गया था, 45,000 रुपये काट गया था ऊपर वाले जो था काज? नहीं, काफ़ी दिन बोले वहाँ पे चोर भाई ऐसे रहता है कि मोबाइल छुपा के चलना पड़ता है दोस्तों, हर जगह पे नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए कि कहीं काम कर जाए, पैसे उसे भी रहता है, फ़ोन भी रहता है, तो हर जगह पे नहीं निकाल पाते हैं। थोड़ा रिस्क उठा के आप लोग को दिखाना चाहते हैं, दिखा देते हैं जहाँ तक मेरा होता है रिस्क उठा के। और आप लोग ना वीडियो में बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो, और लाइक कमेंट शेयर ठोक दीजिएगा। गाड़ी हम लोग कब तैयार हो गया, बैक हो रहा है जाने के लिए, बैक करवाया जा रहा है अभी, फिर हम लोग बैठेंगे चलेंगे। अच्छे सारा गाड़ी हमारी अभी देखिए, हम लोग गेट से बाहर निकल गए हैं और अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को सारे चीज़ मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि आज़ादपुर के जो है ना सारे नज़ारा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा बस यही होता है कि चोर भाई से बचना पड़ता है, डर लगते रहता है चोर भाइयों से, उससे डरना पड़ता है सबसे पहला बात तो ये। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा एकदम सारे चीज़ देखने के लिए मिलेगा। सावन है ना, इनमें सावन में सारे कंवरिया भाई का भी नज़ारा मिलेगा आप लोग को देखने के लिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ आप लोग देखिए। देखिए ये जो बना रखा है कंवरिया भाई के लिए है, जो इसमें आराम कर सकते हैं आराम से, उसके बाद फिर जा सकते हैं। और उस साइड डीजे बजा के पूरा एकदम दबा के डांस कर रहे हैं सारे कंवरिया भाई, और पूरा जो एंजॉय करोगे और बाबा के दर्शन भी करोगे, महाकाल के दर्शन भी करोगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सब कंवरिया भाई है, डीजे वीजे लगा रखा है सारे, जितने का सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं और मस्ती में जा रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं ये सारे लोग। अभी यहाँ पे भी वही है जो कंवरिया भाई के लिए दर्शनों के लिए जगह बनाया गया है, सारे जितने जो आराम कर सके, विश्राम कर सके। यहाँ पे एक किन्नर लोग हैं जो रेड लाइट होते ही पहुँच जाता है गाड़ी वाले के पास, आओ भाई दो कुछ ना कुछ तो दो, देना चाहिए इन लोग को भी, ऐसी बात नहीं है, इन लोग को वो नहीं करना चाहिए, इन लोग का दुआ बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया काम आता है। वहाँ भी रेड लाइट हटेगा तो हम लोग निकलेंगे, आज दूसरे रास्ता से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इस साइड से नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए आगे जो रास्ता बना रखा है एकदम मस्त गति, एकदम से लग रहा है ना कि हाँ ऊपर रास्ता है, नीचे भी रास्ता है, साइड भी रास्ता है, उस रास्ता मतलब हमारा बहुत रहता है। देखिए ऊपर मेट्रो का रास्ता है और नीचे अंडरग्राउंड बना रखा है, देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, मज़ा आता है रात में चलने का। लेकिन वही है, हम लोग मजबूरी में चलते हैं, और कभी इंजॉय करने आप लोग को जाना हो तो जाइए, मज़ा आएगा खूब, मज़ा आ जाता है पूरा एकदम घूमने में। देखिए यहाँ पे पूरा एकदम से लाइट लाइट रहता है ना, मज़ा आता है देखने में, नज़ारा आ जाता है, ऊपर रास्ता नीचे इधर उधर पूरा, मतलब दिल्ली इसी नाम से खोखला है, रास्ता के नाम से दिल्ली खोखला है, कहते हैं ना दिल्ली खोखला है, दिल्ली ऐसे बनाया गया है रास्ता, इधर से उधर से ऊपर नीचे। यहाँ देखिए हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर से भी रास्ता है, उससे ऊपर मेट्रो का रास्ता है, और हम लोग आज़ादपुर पहुँच ही गए हैं, कि आज़ादपुर पहुँच चुके हैं, बस मंडी नहीं पहुँचे, आज़ादपुर पहुँच चुके हैं। और इसके देखिए ऊपर मेट्रो चल रहा है और उसके बीच में हम लोग चल रहे हैं, उससे नीचे भी रास्ता है इस साइड में, देखिए हाँ इस साइड में नीचे भी रास्ता है, उस साइड से भी रास्ता है इधर पेट्रोल पंप पर। और हम लोग मंडी पहुँचने वाले ही हैं, 10-5 मिनट में मंडी पहुँच जाएंगे,
मंडी के पास आ चुके हैं बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा पास। हम लोग मंडी पहुंचने वाले हैं थोड़े दूर, बस 5 मिनट की रास्ता है यहाँ से। और देखिए यहाँ इसमें पालक है और यहाँ पे गेट है ना, इस गेट में कहीं रहना, जैसे कि मान लो ये गेट पे ना कोई भी आओ तो से आना, क्योंकि गेट पे भी चोर पड़ जाता है, एक नाम लगा रहता है तो गेट पे। यहाँ पे देखिए हमारे केला वाली महंगा है, मतलब बाहर लोगे तो महंगा मिलेगा। इसमें देखिए गाजर है और गाजर इस सीजन में मिल रहा है और गाजर काफ़ी मतलब मंदा 30 रुपये किलो मिल रहा है, बाकी बाहर में काफ़ी ज़्यादा ही महंगा रहता है। और देखिए अपना अपना छोटा सा रखा है लोग, यहाँ पे मैंने बैंगन ले आया था, बैंगन भी महंगा है, बैंगन 40 रुपये तो यहाँ पे है, लेकिन बाहर आप लोग को 60 रुपये किलो मिलेगा, यहाँ पे 40 और बाहर 60-80 ऐसे ही रेंज में जो होता है थोक में। यहाँ पर 80 रुपये, लेकिन करेला लेने जाकर करेला यहाँ पे 30 करेला 30 बाहर मिलेगा 60-40। और ये देखिए है चचिंडा, पता नहीं हम लोग भी नहीं जानते कैसे, काफ़ी लंबा लंबा। और यहाँ अपना थोड़ा थोड़ा सब लगता है, 2-4 कटे अदरक नींबू, ये सारे ये भीड़ जो है गोभी पूरा जितना भी भीड़ देखे आप गोभी का भी देखिए। केला दबा दब कर रहा है, मैं जाने वाला हूँ चोर बाजार की तरफ, तो यहाँ पे चोर भाई सब रहता है। पैसा वैसा संभाल के चलो भाई, सब अपना अपना बगली कस लो। इधर सबसे ज़्यादा चोर भाई रहता है, वीडियो नहीं बना पाएंगे, वीडियो को रखेंगे एंड करके फ़ोन रख चोर बाजार चल। दोस्तों हम लोग को यहाँ पे मिर्ची लेना था तो इसलिए इस मंडी में आना पड़ा, और बीच में रोक दिए थे वीडियो को, इसलिए रोक दिए थे कि मतलब कुछ नहीं है, जैसे खाली है और चोर भाई लोग को मौका वहीं मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग को संभल के वहाँ पे आना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग बीच में वीडियो रोक दिए थे और उसके बाद इधर आए हैं। इसमें भी चोर भाई सब रहता है, देखिए अभी हम आप लोग को दिखा दें, वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है और 4-5 अगर आप माल लेने जाइएगा ना तो वो पहले कोई नहीं रहेगा, और आप माल नहीं यहाँ पे देखिए उसी का भीड़ है, आप माल लेने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, वो बोलेगा मेरे को दे दो, वो बोलेगा मेरे से दे दो। और ये देखिए बेचारा सो रहा है, और चोर भाई सब ऐसा है कि जब वो कहेगा कि नहीं भाई आप बात किए तो आप ही को देंगे, वो सबको नहीं देंगे, और वो सबको नहीं देगा और आप ही को देगा, और बाद में आप रहोगे जब माल ले जाओगे। और ये भीड़ जो दिख रहा है आप लोग को, ये मिर्ची पे देखिए बोली लग रहा है मिर्ची पर, भाई साहब इधर ही मिर्ची साइड तो कम बताया था, और यहाँ 99, 100, 110, 105, 102 ऐसे भाव जा रहा है मिर्ची के रेट। दिल्ली आज़ादपुर का रेट है 110, 120, 105, 106, 107, और इतना भीड़ लगा हुआ है। चलो जाते हैं मिर्ची पे बोली मारने के लिए। इधर है पूरा पालक के मंडी, चलो इधर है चोर बाजार, ये रास्ता पे चोरी हो सकता है इसलिए फ़ोन को रखना पड़ता है अंदर में, अभी जाएंगे तो रख लेते हैं फ़ोन, चोर भाई सब टेपते रहते हैं इधर, सुनसान है ना। पूरा सुन रहता है इधर, चोरी भाई चोर भाई सब रहते हैं। दोस्तों इतना महंगा हो गया सारे सौदा कुछ, उधर गया था मिर्ची लेने के लिए, उधर मिर्ची 110-120 हो गया था, इधर फिर मिला है थोड़ा सस्ता 90 रुपये किलो। और ये लोग देखिए मिर्ची बीच बीच के आते हैं ऐसे जैसे यहाँ पे बेचते हैं, बहुत ही महंगा सौदा है, कुछ माल मिला नहीं आज तो यहाँ पे रेडी है, इस पर बैठे हुए गया है और माल लाने के लिए। चोर बाजार है ना तो बचा बचा के वो करना पड़ता है हम लोग को, कैसे करे कैसे ना करे। देखिए खीरा पे कितना भीड़ हो रहा है,
पे इतना भीड़ लगा हुआ था कि मिल ही नहीं रहा था, फिर भी मिल गया दो कट्टा कैसे। देखिए माल हो गया, गाड़ी चलेगा। कने लगे नहीं छे गाड़ी हमारे, अभी नंगा राम माल हो गया मेरा, तो बैठा तू ऐसे मत देख ले, मैं और अभी जो जा रहे हैं हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, और उस टाइम जा रहे थे वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे और अभी दूसरे रास्ते से। ये आप लोग को उधर से देखने के लिए नहीं मिला होगा, यहाँ के रास्ता देखिए, एक मेट्रो इधर से, एक इधर से, और नीचे से गाड़ी, मतलब काफ़ी मज़ा आता है देखने में ये सब चीज़। और रात को रहता है मौसम, लाइटिंग का रहता है, और भी मज़ा आता है देखने में पूरा। ये रास्ता ये भी नहीं मिला आप लोग को देखने के लिए, हाँ ये भी नहीं मिला। अब वो रूट जो रूट था वो रूट छोड़ के फिर उसी रूट पे हम लोग आ चुके हैं जो गए थे, घुमा के गाड़ी लाए। अंडरग्राउंड वाली रास्ता आपको दिखने के लिए मिला होगा, ये अंडरग्राउंड वाले रास्ता, ये देखिए अंडरग्राउंड से हम लोग अब यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में सारे बने रहिए और लाइक फॉलो कमेंट कीजिए प्लीज़ यार, सपोर्ट कीजिए, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे अभी दुकान पे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना ठीक है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये होटल है, मतलब इसमें लाइट लगा रखा, जब लाइट चसेगा ना जलाएगा तो इतना मज़ा आएगा देखने में, पूछो मत, काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है देखने में। ये सब होली का जितना जो वो है सब बना हुआ है, तो हम लोग मतलब काफ़ी दूर निकल चुके हैं मंडी से और काफ़ी पास आ चुके हैं अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं। और देखिए ये होटल मिला होगा आप लोग को देखने के लिए, पीरा गाड़ी हरियाणा, पीरा गाड़ी हरियाणा दिल्ली पीरा गाड़ी, तो आप लोग को पता चल जाएगा कोई भी आओ तो देख लेना। ये देखिए सब मतलब ऐसे सजावट कर रखे, मस्त है, मज़ा आ जाता है मेरे को देखने में सब चीज़। और यहाँ पे तिरंगा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अपना तिरंगा देश कलर की। और ये है मेट्रो स्टेशन, और अब हम लोग मतलब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, काफ़ी दूर नहीं रह गया, लेकिन हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखिए यहाँ मतलब यहाँ वो पेट्रोल का प्लांट लगा रखा है ना उस साइड से, तो यहाँ पे मतलब ऐसे सजा धजा कर रखे हुए हैं कि फुल मस्ती है, फुल मतलब देखने वाला चीज़ है कि हाँ कुछ है, मतलब कि कैसे ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हरियाणा, आगे थोड़ा दूर में पीर बाबा का मंडी है, और उसके बाद हम लोग का मंडी है। और अभी माल उतरवाएंगे जाएंगे तो ये देखिए यही है पीर बाबा का मंदिर, और इससे आगे कुछ ही देर के बाद हम लोग का मंडी है। ये देखिए मंडी में भी गेट में हम लोग अभी घुसेंगे, ये दूसरा गाड़ी में भी माल आया है और हम लोग का गेट में घुस चुके हैं। आगे वो मंडी लगा हुआ, उससे आगे हम लोग का दुकान रहता है, इधर आरत लगा हुआ, देखिए गाड़ी लग चुका है हम लोग का,
और सारे रिक्शे वाले पहुंच चुके हैं, तो अभी जाते हैं माल को चढ़ाने। माल क्या, मेरा माल सारे लोड हो चुका है रिक्शे में। ये देखो, ये धक्का देके मैं आ रहा हूँ, और एक रिक्शा आगे गया है और एक रिक्शा आगे गया, और माल मेरा पूरा ये उतार रहे हैं अभी। और मेरा कोई अभी भाई लोग नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर। दोस्तों।